वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। चलिए आज हम आपको लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, लेकिन टॉपिक एक ही चीज करेगा और एक ही क्वेश्चन समझाएंगे जो कि एग्जाम में 100% आता है, वो है कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर आपको ध्यान समझना का होता क्या है, व्हाट आर द थ्री कंजुगेट नंबर बोल देगा। थ्री कंजुगेट नंबर निकालना है अलग अलग, जिसको प्लस करने से हमारा क्या बनेगा, 51 बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट नंबर को हमको लेना होगा एक्स, सेकेंड को लेना होगा एक्स प्लस वन, थर्ड को लेना होगा एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से पहला एक्स था, दूसरा हम लोग एक्स प्लस वन, तीसरा हम लोग क्या एक्स प्लस टू इजिकल टू कितना है, तीनों प्लस करने से कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, 51 लिख देंगे। एक्स 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 कितना हो गया 3x, और 1 प्लस टू 3 इजिकल टू 51। अभी देखिएगा 3x यहाँ प्लस था तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस होने से कितना होगा 48 होगा, एक्स 48 बाय 3 यहाँ इंटू था तो यहाँ के क्या हो गया डिवाइड हो गया, डिवाइड करने से कितना आएगा 16, तो हम लोग का 16 आया एक्स का वैल्यू। तो ठीक है, तो हम लोग अगर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स था, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 16। दूसरा क्या नंबर है, सेकेंड नंबर हम लोग का क्या था एक्स प्लस वन, मतलब 16 प्लस वन 17। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू था, 16 प्लस टू 18। वैसे हमारा तीन नंबर कंजुगेट नंबर क्या क्या हो जाएगा, 16 17 18। तो इस टाइप का कोई भी कंजुगेट नंबर होगा, अगर आप वो सिंपल सा कंजुगेट नंबर बोलता है तो आप पहला हमेशा क्या लीजिएगा एक्स लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन, थर्ड बोलेगा तो एक्स प्लस टू। कंजुगेट नंबर फिर से निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है इवन नंबर। जब इवन नंबर का बात आता है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंजुगेट में हमेशा एक्स होता है, लेकिन जब सेकंड का बारी आता है और इवन बोला है, इवन बोलेगा तब क्या कीजिएगा एक्स प्लस वन नहीं करके एक्स प्लस टू कर दीजिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर बोला है तो थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर। अभी देखिए एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर तीन तो कंजुगेटिव नंबर लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा है 108 बोल रहा है, 108 पुट कर देंगे, एक्स प्लस कितना हो जाएगा एक्स 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 3x प्लस 6 इजिकल टू 108 3x यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 102 एक्स यहाँ इंटू है तो यहाँ के क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 3 जा 9 34 जा 12 तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 34 आ गया, एक्स का वैल्यू 34 आया तो हमको कंजुगेट थ्री नंबर बोला है। तो पहला कंजुगेट नंबर क्या हो जाएगा एक्स था तो एक्स का वैल्यू कितना आया 34, सेकेंड कितना बोल रहा है एक्स प्लस टू दैट मीन 34 प्लस टू 36, और थर्ड नंबर कितना बोल रहा है एक्स प्लस फोर 34 प्लस फोर दैट मीन्स 38। तो हम लोग का थ्री टू कंजुगेट नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 34, दूसरा हो जाएगा 36, तीसरा कितना हो जाएगा 38। अगर आप क्वेश्चन को इसको कोई भी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से करते हैं तो उसका आंसर आपका ऑटोमेटिक निकलेगा। ओके, क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, बस क्या बोला गया है यहाँ पर ऑड नंबर निकालने के लिए बोला गया है, थ्री कंजुगेटिव ऑड नंबर, जबकि उसको प्लस करने से हम लोग का क्या बन रहा है 147। जब ऑड पूछा जाता है कंजुगेटिव का तो आप ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा, सबसे पहले आप लेट में क्या कीजिएगा, फर्स्ट नंबर में आप एक्स प्लस वन कर दीजिएगा, सेकंड में क्या कीजिएगा एक्स प्लस थ्री कर दीजिएगा, और थर्ड में क्या कीजिएगा एक्स प्लस फाइव कर दीजिएगा, सिर्फ किस में ऑड वाला पैटर्न होगा तो। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इजिकल टू हाउ मच 147, जो भी नंबर होगा उसको यहाँ पर क्या कीजिएगा पुट कर दीजिएगा, एक्स 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 कितना हो गया 3x, 1 प्लस थ्री 4, 4 प्लस थ्री 9, 147। ओके, अभी देखिए 3x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 147 माइनस 9, 147 माइनस 9। अभी बताइए 3x इसको इससे माइनस करेंगे कितना होगा 138 हो जाएगा, 147 माइनस 9 करने से 138 आ गया, एक्स इजिकल टू 138 बाय 3 यहाँ इंटू था तो यहाँ के क्या हो गया डिवाइड हो गया 3 4 जो 12 13 कितना है मेरा एक्स का वैल्यू 46,
ये एक्स का वैल्यू आया 46, लेकिन हमको थ्री कंजुगेट नंबर हम लोग क्या क्या लिए थे, ये लिए थे एक्स प्लस वन, पहला कंजुगेट था, तो एक्स का वैल्यू कितना आया हमारा 46, 46 प्लस वन 47, दूसरा कंजुगेट नंबर 46 था हम लोग का, 46 प्लस थ्री 49, तीसरा 46 प्लस 5, 46 यहाँ होगा क्योंकि x का वैल्यू कितना है हमारा 46, 46 प्लस 5 कितना हो जाएगा 51, तो हमारा थ्री कंजुगेट नंबर ऐसे अपारा आराम से और नंबर का निकल सकता है। तो अब इस स्टेप का जितना ही कंजुगेट नंबर है आप करना चालू कीजिए, आपका सब क्वेश्चन 100% निकलेगा। उसके बावजूद भी कोई डाउट निकलता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली क्लियर करूंगा। अगर आप कोई नए स्टूडेंट हैं और आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।